वहीं प्रदेश के गृह मंत्री और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तंज कसा है। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब राजनीति ट्विटर और चिट्ठी पर रह जाएगी तो ऐसी ही स्थिति बनेगी। मिश्रा ने फूल सिंह बरैया को मित्र बताते हुए उन्होंने बेहद अनुभवी कहा। नरोत्तम मिश्रा ने रक्षाबंधन पर ई राखी मनाने का निवेदन किया है। आज भोपाल में रात से लगेगा, हम उम्मीद करते हैं कि और प्रार्थना भी करते हैं सभी से कि इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है और सहयोग करेंगे तो हम इसमें सफलता पाएंगे। माननीय कमलनाथ जी की चिट्ठी पे क्या कहूँ, कमल मुफ्त सर सी जिंदगी, इतना सा फंसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदे भी बचाना है, न बच पाए ये और बात है। राजनीति पूरी जब ट्विटर और चिट्ठियों पर ही रह जाएगी तो कमोबेश मुझे लगता है ऐसी हालत आएगी। खुद को ट्विटर के हिसाब से राजनीति करना है और बाकी के लोगों को उकसाना है, ये परंपरा अच्छी नहीं है। अब भरैया जी हमारे मित्र हैं, वो हमारी पार्टी में भी रहे हैं, अनेक पार्टियों का उन्हें अनुभव है और अनुभवी व्यक्ति इसलिए भी हैं, वो कई प्रकार के अनुभव हैं, मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। के लिए ई पास, लेकिन राखी वालों से मुझे प्रार्थना, मेरी बहनों से प्रार्थना कि इस बार ई राखी भोपाल में कर लें। प्रदेश भर में नहीं है ये लॉकडाउन, ये सिर्फ भोपाल नगर निगम सीमा में है। मेरी स्वयं आदरणीय आरिफ अकील जी से बात हुई, मेरी स्वयं आरिफ मसूद जी से बात हुई, मेरी स्वयं शहर काजी जी से बात हुई, बाकी के और लोगों से भी मैंने बात की है, और आप कहेंगे तो और करूँगा। हम शहर से तैयार हैं। देखिए उद्देश्य पवित्र है, ये आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है लॉकडाउन कार्यालय पर भी रहेगा और कार्यक्रमों पर भी रहेगा। भोपाल के अंदर न कोई कार्यक्रम होंगे और न कोई भीड़ आपको दिखाई देगी।